अलैकुम। तो आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आपकी गाड़ी का ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम, वो भी हॉट समर्स में, किस वजह से आता है और इसकी प्रिवेंशन क्या है। तो आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आपकी गाड़ी का जो सीज होने का प्रॉब्लम है, और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और ये भी ओवरहीटिंग की ही वजह से आता है। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि गाड़ी की ओवरहीटिंग की क्या मेन कॉजेज हैं और इसकी प्रिवेंशन क्या है। तो सबसे ज़्यादा मेन जो आपको चीज़ लोग भूल जाते हैं वो है रेडिएटर का पानी। ये आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त मैं रेडिएटर के पास ही खड़ा हूँ, और आप ये देख सकते हैं कि गाड़ी का इंजन सीज होने की मेन जो रीज़न हॉट समर में होती है वो इसकी वजह से होती है कि गाड़ी का पानी पूरा नहीं होता। अक्सर लोग यहाँ पर पानी पूरा कर लेते हैं लेकिन वो इस जगह पे पानी पूरा नहीं करते, और ये हमारी जो है रिजर्वायर बॉटल होती है, जिससे पानी अगर गाड़ी ओवरहीट इन केस हो भी जाए तो वो पानी खींचती है और वो कूल डाउन रहती है। थर्ड मेन कॉज जो हमारे पास आती है वो है एसी। अब एसी गाड़ियों का तो चलता है, लेकिन गाड़ी को एसी चलाना, हमें गाड़ी स्टार्ट और आइडियल पे, यानी गाड़ी खड़ी हुई हो उसका एसी चलाना बिल्कुल, जो हम अगर चलाएंगे तो हमारी गाड़ी ओवरहीट होगी। और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि इसकी सबसे बिगेस्ट जो सोल्यूशन है आपके पास वो क्या है, घर पे आप उसका बिगेस्ट सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आपको गाड़ी के इस खर्चे से बचने के लिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही समझ आए कि इसकी वजह क्या। अब हम आपको तीसरी जगह बताने जा रहे हैं जो है ये रेडिएटर का फैन। अब रेडिएटर के फैन का क्या मसला है, रेडिएटर का फैन का मसला ये होता है, कभी कभी हमारी गाड़ी का जो सेंसर होता है वो सेंस नहीं कर सकता हीट को, और जब वो सेंस नहीं करता तो गाड़ी के पंखे ऑटो पे नहीं चलते। जब ऑटो पे नहीं चलते तो गाड़ी का जो इंजन का टेम्परेचर है वो बहुत ऊपर चले जाता है, क्योंकि एसी भी चल रहा होता है और ऊपर से गर्मी भी होती है, और गाड़ी अगर कहीं आस्था स्पीड में या लो गियर में चल रही है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गाड़ी के लिए। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक रीज़न बता जो सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ वो ये है, ये वाला प्लग जो आप यहाँ पे ये वाला देख रहे हैं। अब इस प्लग का क्या मसला है, इस प्लग के साथ ही आगे जो है ये एक बेसिकली अटैच होता है पानी के साथ, जो गर्म पानी जब होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से करंट जाता है और वो इन पंखों को आता है और इन पंखों को चला देता है। तो अब इन पंखों को चलाने के लिए यहाँ पे अगर ये सेंसर ही काम ना करे तो आपको पता नहीं लगेगा, और आपकी गाड़ी का इंजन इतना टेम्परेचर राइज कर जाएगा कि आपकी गाड़ी का इंजन की टेम्परेचर बहुत राइज कर जाएगा, और ओवर और जो इसकी गैस किट है वो जलने का खतरा है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये गैस किट यहाँ पे प्रेजेंट होती है और इसका जलने का खतरा है। तो इसलिए हम बताने जा रहे हैं कि ये आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सॉल्व करने का प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि ये जो अभी आप देख रहे हैं इस प्लग को, आपकी दो तारें आ रही हैं, इन दो तारों को आपने सिंपली एक एक तार के साथ कनेक्ट करके और आपने सीधा कैबिन में तार ले जानी है। अब इस कैबिन में इसको क्या फर्क पड़ेगा, कैबिन में आप वहां पे एक स्विच लगा लें, जब भी हॉट समर आए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने हमेशा हमेशा इसको ऑन ही रखना है इस पंखे को। ओके, पंखे ऑन रहेंगे, बेशक आपकी गाड़ी पे जितना मर्जी लोड हो, जितनी मर्जी गर्मी हो, आपकी गाड़ी कभी भी जो है ओवरहीट नहीं होगी। तो इसलिए आपको अब इसका मैं तरीका भी बता देता हूं कि आपने इसको किस तरह डायरेक्ट करना है। तो गर्मियों में जो गाड़ियों का बहुत ज़्यादा सीलिंग का मसला आता है और गाड़ी के गैस्केट जल जाती है, रिंग्स को मसला आ जाता है, तो उसकी बिगेस्ट कॉज ही यही चीज़ है। तो अब मैं आपको इसका सलूशन बताता हूँ कि इसको मैंने कैसे लगाया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, ये एक प्लग लगा हुआ है, इस प्लग को ये आगे अटैच है सेंसर के साथ, जो सेंस करता है हीट को और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जो है पंखों को चला देता है। और ये दो पंखे जब चलेंगे, इनमें से एक एसी का होता है और एक सादा होता है, तो जब ये सेंसर सेंस करता है हीट को तो दोनों पंखे ऑटोमेटिकली चल जाते हैं और आपकी इंजन का टेम्परेचर जो है कूल डाउन हो जाता है। जो ही कूल डाउन होता है तो आपकी इंजन दोबारा से जो है पंखे बंद हो जाते हैं, और कुछ देर बाद दोबारा हीट अप होगा तो दोबारा से आपका इंजन जो है वो पंखों को रन करेगा। मेरे साथ भी यही सेम प्रॉब्लम आई थी कि गाड़ी के पंखे नहीं चले थे और गाड़ी की जो रिंग्स तक मसला आ गया था और गैस किट जल गई थी। तो उससे प्रिवेंशन के लिए जो आपकी 40 से 45 हज़ार रुपए हैं, उससे प्रिवेंशन के लिए ये है कि आप यहां से दो तारे लें, दोनों को कैबिन के जरिए ले जाके, जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं, ये देखिए मैं यहाँ से ये तार अंदर लेके गया हूँ फायर वॉल से। तो फायर वॉल की ये जगह आप स्पीडोमीटर की जो तार होती है उसके साथ से ही आप ये तार गुजारेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने कैबिन में ये दो तारे ले गए और यहाँ से आपने कनेक्शन जो है वो टाइट कर देना है कि किसी किस्म की शॉर्ट सर्किटिंग ना हो। नेक्स्ट मैं आपको गाड़ी के अंदर ले जाऊँगा, ये देखिए गाड़ी के अंदर मैंने स्विच यहाँ पर लगाया है,
इस जगह पे ये स्विच देख सकते हैं आप। अब इस स्विच को इस वक्त टेम्परेरी लिए ऑन है और इसका मतलब ये हुआ कि आपकी गाड़ी अभी इस वक्त मेरी गाड़ी क्योंकि हॉट समर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी जो टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए मैंने मुसलसल इस स्विच को ऑन रखा हुआ है। आप इसको अगर ठंडा मौसम हो तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो मैंने इस वक्त ऑन किया हुआ है इसको, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अभी इस वक्त पंखे हमारे मुसलसल जूं ही मैं इसे यहाँ पे टू पे करूंगा तो ये पंखे ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हुए हैं। तो हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप लोग हॉट समर में गाड़ी चलाते हैं तो आपको हमेशा अपनी गाड़ी का जो फ़ैन है वो हमेशा डायरेक्ट रखना है। उसके अलावा आपको ये जो रेडिएटर में पानी और जो रिजर्वायर में पानी ज़रूर चेक करना है। और ये प्लग आपकी लोकेशन में अगर आपको बताऊँ तो ये प्लग आपका लगा होता है बिल्कुल जो ये एयर फिल्टर है और एयर फिल्टर के नीचे ये प्लग आपका ये वाला लगा हुआ है, ये वाला प्लग। इसको आपने दो ताए ले जाके सीधी आपने यहाँ से फायरवॉल से गुजार लेनी है, फायरवॉल से ले जाके और आपने अंदर स्विच लगा देना है और इससे आप बहुत बड़े खर्चे से बच सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।